तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का PRK म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी गाना या भजन हारमोनियम पर खुद से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वरज्ञान सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वरज्ञान के माध्यम से ही आप कोई भी गाना या भजन खुद से निकालना सीख सकते हैं। तो आज का जो ये लेसन है, स्वरज्ञान का ही लेसन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है। कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेसन। सबसे पहले अगर हम स्वरों की बात करें तो जो स्वर हम प्रयोग में लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सी सारा पहली काली से देखें तो ये होगा हमारा सा रे गा मा पा धा नी सा। तार सप्तक में हम सा रे गा तक के स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। मंद्र सप्तक में नी धा और पा, इन स्वरों का हम प्रयोग कर सकते हैं। रियाज आपको कैसे करना है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। जो आपका दिल करे वो स्वर आप लगा सकते हैं और जो आपका दिल करे वो आप गुनगुना सकते हैं। जैसे सांसें, ये जरूरी नहीं है कि आप रे लगाएं। सांसें आप गा पे जा सकते हैं या सांसें आप नी पे आ सकते हैं, सांसें आप माँ पे जा सकते हैं, माँ से धा लगा सकते हैं या माँ से रे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई नियम लागू नहीं होता है। जो आपका दिल करे वो स्वर आप लगाएं और जो आपका दिल करे वो आप गुनगुनाएं। कंप्लीट वीडियो वॉच करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकेगा। किस तरह से आपको रियाज करना है, स्वर को दबाना है, अच्छी तरह से सुनना है, इसमें आवाज़ मिलाकर आपको गुनगुनाना है। राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा। आप एक स्वर पर भी राधे कृष्णा गुनगुना सकते हैं। राधे कृष्णा, दो स्वरों को मिलाकर राधे कृष्णा, तीन स्वरों को मिलाकर राधे कृष्णा, चार स्वरों को मिलाकर राधे कृष्णा, एक स्वर को बीच में छोड़ भी सकते हैं। किस तरह से राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसको समझने का प्रयास करना है और स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको समझने का प्रयास करना है। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको स्वरज्ञान हो जाता है और स्वरज्ञान की मदद से आप कोई भी गाना या भजन आसानी से निकालना सीख सकते हो। जैसे सा से गा की कितनी दूरी है ये देखना है, गा से पा कितनी दूर है या गा से मा कितनी दूर है। तो आकार में भी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। किस तरह से माँ की दूरी को देखा, आप पा लगाएंगे तो सा से पा लगाएंगे तो सा पा, आकार में करेंगे तो आ आ आ। पा से नी की कितनी दूरी है, आ आ आ। एक बार आप हारमोनियम के साथ में गुनगुनाएं और एक बार सिर्फ हारमोनियम बजाकर सुनें कि जो मैंने गुन
तरह से निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ, किस तरह से कर सकते हैं। फिर आगे तक जाएंगे तो स्वर ज्ञान सीख सकते हैं। स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उसको समझने का प्रयास करना है और स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको समझने का प्रयास करना है। आकार में आपको रियाज करना है राधे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री राम, इस तरह से आप स्वरों के साथ आवाज़ मिलाकर गुनगुनाना सीखेंगे तो आपको जल्दी से स्वर ज्ञान होगा। ये लेसन मैंने आपको सभी शुद्ध स्वरों में बताया है यानी बिलावल थाट में बताया है, आपको कम से कम 6 थाट में जरूर करना है। बिलावल कल्याण खमाज काफ़ी आसावरी और भैरवी, अगर इन 6 थाटों में आप रियाज करते हैं तो आपके सभी 12 स्वरों का रियाज हो जाता है और 12 स्वरों से बाहर दुनिया का कोई भी गाना नहीं होता है। कैसा लगा आज का ये लेसन कमेंट करना ना भूले। हमसे पर्सनली सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल PRK म्यूजिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा।